लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। वंदे मातरम। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारा भारत अपने अतीत से प्रेरणा लेकर नूतन की रचना कर रहा है। ये गंगा, ये हमारी परंपराएं, ये बहुत भव्यता, ये हमारे प्राचीन भारत के अतीत के प्रतीत हैं कि हमारे भारत का अतीत कितना गौरवपूर्ण था। मेरे भाई बहन, भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। हम किसी संपदा के चलते नहीं, हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति के चलते। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने जब कहा था भक्ति काल की बातें करके और आत्मनिर्भर की जो बातें की है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज समाज में देखने को मिलता है कि हमारे योग गुरु स्वामी श्रद्धे रामदेव बाबा जो भारत की छोटी छोटी औषधियों से और कितने बड़े उत्पादन करते हैं और समाज को आज कितना स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। हम सब लोगों को चाहिए कि हम लोग आत्मनिर्भर बने। भारत को एक बहुत विश्वगुरु बनाना है, वैश्विक शक्ति संपन्न बनाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अनुसार हम समस्त भारतवासियों को राष्ट्रभक्ति के साथ, राष्ट्र निष्ठा के साथ, हर भारत के जन्मे हुए व्यक्ति को अपने स्वधर्म का बोध होना चाहिए, अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। और जब भारत का शिक्षक अपने शिक्षा धर्म का पालन करेगा, भारत का राजगुरु राजधर्म का अपना धर्म का पालन करेगा, भारत का नेता अगर हमारे देश के राजधर्म का पालन करेगा, तो मुझे लगेगा कि सभी लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करेंगे, तब हम राम राज्य को समझ पाएंगे। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, ये जो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि सभी किसी को कोई वैर नहीं था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। भगवान करे हम लोगों का जन्म भारत वर्ष में हुआ है, हम भारत भूमि की इस भगवती है भक्ति को समझें, जो भगवान ने हमको जो इतने प्रकार की ऋतुएं दी हैं, इतनी वैश्विक जो व्यवस्थाएं दी हैं। मेरे भाई बहन, हमारा भारत जो है ना, एक अपने आप में बहुत बहुत एक अच्छा देश है। इसलिए हम सबको चाहिए, हम भाग्यशाली हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंब की जो भावना है, इसको हम साकार करें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। आप लोगों से भी प्रार्थना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हम सबको अपनी क्षमता के अनुसार अपने संकल्प का पालन करना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना चाहिए। इस मंगल कामना के साथ आप सभी को प्रणाम। जय सियाराम।